नमस्कार, बॉलीवुड ट्रेंड्स में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड की एवरग्रीन अभिनेत्री नीतू सिंह अपनी नायाब एक्टिंग और खूबसूरती के लिए फैंस के बीच जानी जाती हैं। नीतू सिंह ने अपने करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार की थी। कहते हैं कि नीतू सिंह को बचपन से डांस से खास लगाव था। ऐसे में उनकी माँ ने नीतू को अभिनेत्री वैजंती माला के डांस स्कूल में दाखिल करवा दिया था और इसी स्कूल में उनके डांस से इम्प्रेस होकर वैजंती माला ने अपनी फिल्म सूरज में नीतू को बाल कलाकार के रूप में काम करने का मौका दिया। बाल कलाकार के रूप में सफलता हासिल करने के बाद नीतू सिंह ने साल 1973 में आई फिल्म रिक्शावाला से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। हालाँकि इस फिल्म ने पर्दे पर खास कमाल कुछ नहीं किया। इसके बाद वो 1973 में आई नासिर हुसैन की फिल्म यादों की बारात में दिखाई दी और सफलता का स्वाद चखा। नीतू सिंह को असली पहचान वर्ष 1975 में आई फिल्म खेल खेल में से मिली। इस फिल्म में उनके सह कलाकार ऋषि कपूर ही थे। इसके बाद नीतू ने ऋषि के साथ कई शानदार फिल्मों में काम किया। नीतू सिंह ने ऋषि कपूर के साथ 10 से भी ज़्यादा सफल फिल्मों में साथ काम किया। साथ काम करते करते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और फिर दोनों ने 1979 में शादी रचा ली। शादी के बाद एक्ट्रेस ने हिंदी सिनेमा को अलविदा कह दिया था। इसके बाद नीतू सिंह ने लंबे समय बाद बतौर लीड में साल 2010 में फिल्म दो दुनी चार से वापसी की। इस फिल्म को पर्दे पर जमकर सराहा गया। आज ऋषि कपूर के जाने के बाद नीतू अकेली हो गई हैं। अब वह अक्सर अपनी बेटी रिधिमा और बेटे रणबीर कपूर के साथ ही सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो शेयर करती दिखती हैं। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें एवं इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी ख़त्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।